कंप्यूटर पे टाइप करना हमें नहीं आता, और कई बार आता है तो हम आलस कर जाते हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए, इतना कुछ टाइप ही ना करना पड़े। लेकिन हमें हाथ से लिखना बहुत अच्छे से आता है। ऐसा कुछ ट्रिक हो सकता है कि हम बस हाथ से लिखे और वो सब डिजिटलाइज हो जाए? हेलो, माय नेम इज आरजू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कई बार हमें कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता, हमें टाइपिंग करनी नहीं आती, और आती है तो टाइपिंग की स्पीड बहुत स्लो होती है, या हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं कि हमें टाइप करना ही ना पड़े और सारी चीज़ें अपने आप से हो जाए। लेकिन हमें पेपर पे लिखना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कंप्यूटर पे काम करने से हम डर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ का बहुत ईजी सॉल्यूशन है। अगर आपको पेपर पर लिखना आता है तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप बस अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पेपर पर लिख दो और ये छोटी सी ट्रिक मिनटों में उसे डिजिटलाइज कर देगा, यानी कि कंप्यूटर के अंदर लिख देगा। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी बना सकते हैं, उसे सेव करके भी रख सकते हैं और उसके प्रिंट्स भी दे सकते हैं, वो भी अपनी हैंडराइटिंग में नहीं, कंप्यूटराइज राइटिंग में। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को कंप्यूटराइज करने के लिए मेरे पास दो ट्रिक है। आपको जो भी ट्रिक अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ट्रिक के अंदर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जिस हैंड रिटन नोट को हमें कन्वर्ट करना है उसे स्कैन करके मैंने कंप्यूटर में ले लिया। फिर गूगल पे यहाँ कॉर्नर पे 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा गूगल ड्राइव का, ये ड्राइव लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ड्राइव खुल जाएगी। यहाँ न्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा और हमारी जो डाउनलोड फाइल थी उसे हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है, इसे यहाँ से अपलोड कर देंगे ड्राइव के ऊपर। जैसे ही ये फाइल अपलोड होती है ये नीचे शो कर देगा, ये अपलोड होती है तो आप इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, ये फाइल आपके ड्राइव पे शो होने लग जाएगी। अब राइट क्लिक करके ओपन विद में गूगल DOC डॉक पे चले जाएंगे। ये गूगल डॉक ओपन होगा तो सबसे पहले आपका हैंड रिटन नोट दिखेगा और उसके नीचे ये पूरा हैंड रिटन नोट दिखेगा। अब इस टाइप्ड नोट को आप अपनी कोई भी MS वर्ड फाइल के ऊपर कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने इस हैंड रिटन वाले का जो कन्वर्ट होके आया है उसे सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट से डिजिटलाइज हो चुका है। अब मैं इसे सेलेक्ट करके इसे साइज़ बड़ा छोटा कैसा भी कर सकती हूँ, इसे अरेंज कर सकते हैं अच्छे से, और ये बहुत जल्दी हो गया। ट्रिक 1 देखने के बाद में मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रिक 2, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसमें ट्रिक 2 में आपको कन्वर्ट करने के साथ साथ लैंग्वेज चेंज करना, सेम ऑप्शन सर्च करना, लैंग्वेज लिसन करना, वो सब भी पता चलेगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं आपको एक अलग वीडियो में डॉक्यूमेंट को फ़ोन से ही स्कैन करना बताऊंगी। अब ट्रिक 2 के लिए आप गूगल को ओपन कर लो और इस पर कुछ भी टाइप करो। जैसे मैंने इंडिया टाइप किया और यहाँ ऊपर की तरफ एक गूगल लेंस का ऑप्शन आएगा जिसपे है सर्च बाई इमेज लिखा होगा। यहाँ से अपनी फाइल को अपलोड कर देना है, जो भी हमने हाथ से लिखा हुआ था उस फाइल को यहाँ से इस पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही ये अपलोड होता है वैसे ही हमें ये फाइल यहाँ पे दिखाई देगी और इससे रिलेटेड हर टाइप की फाइल्स यहाँ खुल जाएगी। फिर हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट करेंगे जिससे ये सारा का सारा लिखा हुआ टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉपी करेंगे और अपनी MS वर्ड वाली जो शीट थी उस पे जा कर के पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये हो चुका है, अब इसे हम अरेंज भी कर सकते हैं, इसके साथ ही इसे सुन भी सकते हैं। ये लिसन पे क्लिक किया और ये हमें पढ़ के बताएगा कि हमने क्या लिखा है।
राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सबसे खूबसूरत एक राज्यों में गिना जाता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फिर एक नीचे ऑप्शन आएगा ट्रांसलेट का, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा लेटर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। और उसके अलावा भी कई लैंग्वेजेस है जिसमें हम अपने लेटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट ऑल किया, यहाँ से कॉपी किया हमने, और फिर अपनी एमएस वर्ड वाली शीट के ऊपर जा करके हम पूरा का पूरा लेटर इंग्लिश में भी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा हैंड रिटन नोट हिंदी में तो हुआ ही हुआ, इंग्लिश में भी हो गया। इसे सुन भी सकते हैं कि इंग्लिश में ये किस तरह हमारा लेटर रीड करता है। The state of Rajasthan is counted among the most beautiful one states located in the northwest of India. Rajasthan is the largest state of India. ऐसी और इंफॉर्मेटरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जान सके कि अगर टाइपिंग नहीं आती है तो कैसे लेटर्स टाइप करें।